नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ। एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, और आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं ये रेन लिली प्लांट के बारे में। रेन लिली गाइस, ये देखिए कितना सुंदर सा इसमें फ्लावर आया हुआ है। रेन लिली का प्लांट है, इसकी फ्लावरिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आप लोगों को कैसी लग रही होगी वीडियोज में, बाकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। छोटे से मैंने ये जो डब्बा आता है मिठाई वाला, उसमें मैंने लगाया हुआ। एक्चुअली मेरे पास ये भी एक रेन लिली है जो थोड़े से बड़े फ्लावर करते हैं। देखिए इसके भी फ्लावर आज आई थिंक खिले थे, बट देखिए ये बारिश हुई है तो बारिशों के कारण ये ऐसे हो गया। ट्रांसप्लांट ये देखिए, एक्चुअली इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है मुझे। मेरे पास अभी कोई पॉट खाली नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी सीजन में एक ही बार खिलता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। ये रेन लिली जो है, बाकी ये देखिए ये आज बड़ा वाला खिला था, काफ़ी बड़ा खिलता है, काफ़ी बड़े साइज खिलता है। और ये छोटे छोटे वाले, मेरे छोटे वाले ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखिए ये भी कितना सुंदर सा कलर से बड़ा ज़्यादा है। मेरे पास एक इधर वाइट कलर का भी रेन लिली है, ये देखिए व्हाइट कलर का रेन लिली, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग कर रहा है। इधर एक येलो कलर का भी होगा, इसमें कुछ मिक्स्ड भी है, इसमें येलो कलर के भी रेन लिली हैं। तो यही मैं इनके केयर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो आप पॉट लेंगे वो लेंगे वेलड्रेन पॉट। वेलड्रेन कहने का मतलब है कि पॉट में पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। पानी थोड़ा सा कम दे रेन लिली को चलेगा, बट पानी लॉग नहीं होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत का तुरंत इसके बल्ब जो होते हैं वो सड़ जाएंगे। तो करंट पॉट वेलडेंट पॉट बनाने के लिए सबसे पहले मेरा वही रेशियो रहेगा 25 25 25 का। 25 वाला रेशियो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि उसमें वाटर लॉगिंग का बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता। देखिए ये सारे मेरे बॉन्साई वाले जो पॉट है जिसमें मैंने आर्डेनियम लगा रखा है, ये सब में भी हालांकि ड्रेनेज होल नहीं है इसमें, लेकिन मेंटेन हो जाता है, क्योंकि मैं कभी कभी पानी देता हूँ। मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा दिया है, जो आपको बताया ही था एक वीडियो में, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू ही मैं पानी देता हूँ। इसमें मैं एक बार पानी भर देता हूँ, पूरे अच्छे से पानी भर देता हूँ, मेरे वन वीक चला जाता है। वैसे भी आर्डेनियम की बहुत पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। आजकल आज बारिशें हो रही हैं, देखिए कितनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से पानी आया हुआ है, सब सही हो जाएगा। तो ये हो गया रेन लिली के बारे में। फर्टिलाइजेशन की बात कर लो, फर्टिलाइजेशन की तो सिर्फ विशेष कोई फर्टिलाइजेशन देने की जरूरत नहीं होती। अगर तभी भी आपके आपके प्लांट काफ़ी टाइम से और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसमें आप DAP दे सकते हैं। DAP को एक चम्मच पाँच चम्मच लेके, एक चम्मच DAP को एक लीटर पानी में घोल के अपने प्लांट को दे दीजिए। उससे क्या होगा कि फ्लावरिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये कब देना है आपको? बरसात शुरू होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, बरसात शुरू होने से पहले देना। अगर अभी भी आपका रेन लिली, क्योंकि अभी बारिश का सब टाइम आता है तभी खिल जाता है, जैसे कि कल ही खिल गया था क्योंकि आज के बारिश आने वाला था। ये पता नहीं, एक हो सकता है नेचर का कॉलिंग हो जो तुरंत कॉल को अटेंड करके बता देंगे कि हाँ बारिश आने वाली है। क्योंकि देखिए कुछ ये काफ़ी दिनों से नहीं खिल रहा था और कल का कल खिल गया, आज बारिश हुई आज खिल गया। तो ये जब बारिश आपका मॉनसून स्टार्ट होने वाला होगा तभी आप इसे लगाइए, तभी इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव मुझे ऐसा लगता है होगा, क्योंकि ये बारिश के टाइम बहुत ही अच्छा, बारिश के टाइम ही ब्लूम करेगा, बाकी पूरा साल ये रह जाएगा। इसके बल्ब भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर पॉट में लगा रहे हो तो आप इसे बल्ब निकाल के रख दीजिए, क्योंकि पूरे साल लगाने का मतलब नहीं। अगर आपके पास ऐसे, मेरे पास ऐसे खाली डब्बे पड़े हुए हैं तो मैं उसमें लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं रहता उनके। उसके बाद वो बल्ब ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, कोई मुझे इशू नहीं रहता। मैं केयर भी नहीं करता, कभी कभी पानी दे दिया, वैसे पर्सनली कोई केयर नहीं करता हूँ मैं इन लोगों का। तो फिर ये बल्ब के थ्रू ग्रो हो गए। अभी मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं इस साल के बाद, मतलब जब नेक्स्ट ईयर जब वो होगा मॉनसून आएगा, तो मैं इसे एक पॉट में अच्छे से करूँगा, क्योंकि मुझे अगले साल अच्छा ब्लूमिंग चाहिए। तो उसके लिए मैं लगा दूंगा इसको। आप फरवरी में लगा सकते हैं इसके, अगर बल्ब ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे फरवरी मार्च या फिर अप्रैल में सबसे अच्छा है इसे अप्रैल में लगाइए। फरवरी में भी लगा सकते हैं, बट अप्रैल में लगाने का ये फायदा है कि थोड़ा सा कम केयर करना पड़ेगा। अप्रैल में लगाएंगे, दो महीने में आपका प्लांट अच्छा ग्रो हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन मिट्टी देंगे तो अच्छा ग्रो करने का, और जैसे रेनी सीजन आने वाले हैं, मानसून सीजन आएगा, वैसे बहुत ही अच्छा आपका प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये रही इस प्लांट की खासियत। अगर आपसे इस प्लांट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, सनलाइट की बात कर लूँ, जी हाँ सनलाइट की बात कर लूँ, तो सनलाइट में इसको क्या है बेसिकली कि आप इसे वेल सनलाइट दीजिए, मिनिमम 2 hours to 3 hours की इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 hours से कम इसको सनलाइट ना रखें। अगर दिन भर की भी धूप मिले तो कोई इशू नहीं होता, इस प्लांट को चलेगा, बट इसको इंडोर ना रखें, सेडी प्लेसेस में ना रखें, नहीं तो इसकी लीफ लीफ हो जाएंगी और धीरे धीरे बल्ब आपका सड़ने लगेगा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि आप वाटरिंग देते रहेंगे और वाटरिंग देंगे और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और वाटर को अपने अंदर नहीं लेगा, फिर वो पानी रखते रहकर सड़ जाएगा, फ्लावरिंग वाला कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर वो दिक्कत होगा। ये देखिए आप राजिता के, जब भी आपके ऐसे हो तो इसको तोड़ दीजिए ड्राई फ्रूट को, नहीं तो ये सीड्स के फॉर्मेशन करने लगेंगे और प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी। उधर भी है, बट उधर भी मेरा एक अपराजिता का वाइट कलर वाला अपराजिता है, बट उसको क्या दिक्कत है अभी कि मैं इधर से जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जंगल टाइप का बना दिया है। ये आप खुद ही देख रहे होंगे, देखिए कितना ज़्यादा प्लांट्स है, ये देखिए कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। तो मैं आपको यही कहने वाला था कि इसको अच्छे से केयर कीजिए, फर्टिलाइजेशन, सॉइल,
पानी की आप पानी पे वीक में एक बार पानी दे सकते हैं, वीक में एक बार पानी दीजिए, अच्छे से वाटरिंग कीजिए बस, उसके बाद उसके वाटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।